जय हिंद दोस्तों, आज के फिर से आज एक न्यू वीडियो के साथ में। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली हमारी पैसेंजर ट्रेन के अंदर, जिसका ट्रेन नंबर है 044-34। यह ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलती है, रेवाड़ी। तो आज मैं आप लोगों को इस ट्रेन की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ कि किस टाइम यहाँ से निकलती है रेवाड़ी से, कब दिल्ली पहुँचती है, कितने स्टेशन है, क्या कुछ। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं फिर इस वीडियो को स्टार्ट। फिलहाल अभी आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन तो वैसे पैसेंजर ही है। इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन की टाइमिंग है रेवाड़ी से 11:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है मॉर्निंग में, और दोपहर के 2:15 पे आप लोगों को दिल्ली स्टेशन पहुंचाती है, पुराना दिल्ली स्टेशन। टोटल अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 2 घंटे के डिस्टेंस हम कवर करने वाले वैसे तो 16 होल्ट के साथ में। गर्मी इस समय बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो पानी अपना साथ में ही रखें। सो फाइनली गाइस, ट्रेन का डिपार्च होने का समय हो गया है, बिल्कुल राइट टाइम आप देख सकते हो। 11:35 पे ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से रेवाड़ी से, सही समय पे चल रही है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करें, चलती हुई ट्रेन में बिल्कुल भी ना चढ़े, क्योंकि समस्या कभी भी आ सकती है। रेवाड़ी जंक्शन जो स्टेशन हरियाणा के अंदर पड़ता है, और जो इसके अंदर इंजन है WAP-7 का है, सो देख सकते हो आप लोग, पैसेंजर ट्रेन के अंदर WAP-7 का इंजन होना बहुत ही बड़ी बात है। तो अपनी सीट अभी यहाँ पर बैठे हैं। सो इस ट्रेन का सबसे पहला होल्ट आ चुका है कुंभावास स्टेशन। स्टेशन की जो टाइमिंग है 11:44 का टाइम है, और यहाँ पर ट्रेन का 1 मिनट का ही स्टॉप है। पास इतनी देर रुकी नहीं, इतने में तो चल भी पड़ी, बताओ। स्टेशन वैसे मेन लाइन के ऊपर ही है, 2 लाइन ही है यहाँ पर। गरम गरम हवा बड़ी जबरदस्त चल रही है। कुंभावास पुटलियाना। दोस्तों ट्रेन का सेकंड होल्ट आ चुका है खलीलपुर स्टेशन। ट्रेन का जो टाइमिंग है यहाँ पर 11:50 का है, और यहाँ पर स्टेशन 1 मिनट का ही होल्ट है। यहाँ से निकलते हैं बिल्कुल सही समय पे खलीलपुर। इस सफर का एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों फिलहाल अभी आ चुके हैं इसका तीसरा होल्ट इंसापुरी स्टेशन, जहाँ पर इस ट्रेन का 1 मिनट का ही स्टॉप है। यहाँ से अब डिपार्ट कर चुके हैं। 11:57 का यहाँ पे टाइमिंग है इस ट्रेन का। ट्रेन बिल्कुल अपने सही समय पे चल रही है, बिल्कुल राइट। पहले ये कभी होता नहीं था कि पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल सही समय पे चले, जब से लाइट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर ट्रेन के अंदर, तो जब से ट्रेन सही समय पे चल रही है बिल्कुल। अच्छा पुलिस स्टेशन, फिलहाल अभी ट्रेन पहुंच चुकी है पटौदी स्टेशन पे। ये इस ट्रेन का चौथा होल्ट है, जहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ तो 12:04 का यहाँ पे टाइमिंग है, और पटौदी के अंदर 3 प्लेटफॉर्म है। ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है पटौदी रोड। तो इस ट्रेन का नेक्स्ट होल्ट आ चुका है जटोला, यहाँ पर भी ट्रेन का 1 मिनट का ही स्टॉप है। सो दोस्तों ये इस ट्रेन का नेक्स्ट होल्ट है ताजनगर स्टेशन, जहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पे 12:16 है। यहाँ से डिपार्च हो चुकी है अब, बहुत आगे निकल चुकी है।
नाला भी आ चुके हैं घड़ी असरू जंक्शन स्टेशन के ऊपर। बीच में मैंने एक स्टेशन को स्किप किया था जो पातली स्टेशन है वैसे तो, यहाँ पर ट्रेन का एक मिनट का ही होल्ड। यहाँ पे जो ट्रेन का टाइमिंग है 12:31 का है, अभी ट्रेन सही समय पे चल रही है, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से फरू नगर के लिए ट्रेन निकलती है। आ चुके हैं वैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन का टाइमिंग है 12:45 का और यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है, तो यहाँ से दिल्ली एनसीआर वैसे स्टार्ट हो जाता है। हम निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। सो डिपार्च हो चुकी है बिल्कुल सही समय पे गुड़गांव स्टेशन। निकलते हुए अब गुड़गांव स्टेशन से तो नेक्स्ट हॉल पे आ चुके हैं पलम स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर ट्रेन का टाइमिंग है 1:06 का। शायद बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है। वैसे मैंने बीच में 2 स्टेशन को स्किप किया था गुड़गांव के बाद में, एक बिजवासन एक शहाबाद, कोई नहीं वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब निकलते हैं यहाँ से स्टेशन। ये है भाई दिल्ली वेब 7। अभी आ चुके हैं दोस्तों दिल्ली कैंट स्टेशन के ऊपर, यहाँ पर जो ट्रेन का टाइमिंग है 1:12 का है और फिलहाल यहाँ से अभी अराइव कर चुके हैं। दिल्ली कैंट के बाद एक खतरनाक चीज़ आने वाली है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी दिल्ली कैंट के बाद यहाँ पर ना बैठे, अगर यहाँ पर अगर बैठे हो तो कृपया करके फ़ोन ना चलाए, मतलब दरवाजे पर कभी बैठना नहीं है दिल्ली कैंट के बाद में। अगर फ़ोन चलाए तो कभी फ़ोन मत चलाओ, वरना फ़ोन आपका मिलेगा ही नहीं। कि एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक लड़का था जिसके साथ हादसा हो गया था, दिखाते दिल्ली कैंट के बाद का सीन। एक बस थी वो दिख ही रही होगी उस साइड में, यहाँ से निकलते हैं अब। ये देख लो भाई कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा छतरियों का तो ढेर लगा हुआ है ऊपर, ये देख सकते हो आप लोग। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं पटेल नगर स्टेशन। यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा,
जो आपको इधर से लाइन दिख रही है ये आती है रोहतक से, रोहतक जी हम निकल चुके आगे की तरफ। धूप में देखो कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग है 1:36 का, और ट्रेन वैसे अपने सही समय पे चल रही है। और हमारे साइड में खड़ी है यहाँ पे डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर छोड़ दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो डबल डेकर की ट्रेन की पूरी कम्प्लीट वीडियो। सो ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है फिलहाल यहाँ से दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखो आप, इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। अभी बज रहे दोपहर के 1:40 हो चुके हैं यहाँ से ट्रेन, यहाँ पर 5 रुकी है, ट्रेन का 2 का ही स्टॉप है। दोस्तों पहुंच चुके हैं अब दिल्ली ओल्ड दिल्ली स्टेशन के ऊपर, यहाँ तक की अपनी जर्नी थी, ट्रेन भी अपनी यहीं तक थी, तो अब इस जर्नी को ये भी ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस जर्नी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो जय हिंद दोस्तों।